सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि फ्लटर फ्लो में आप फायरबेस को कैसे सेटअप कर सकते हो। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी भाई फायरबेस एक्चुअल में होता क्या है, क्या डिफरेंस होता है फ्रंट एंड में और बैक एंड में, और कैसे फायरबेस हमारे बैक एंड के सारे कामों को ईजी कर देता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि भाई एक्चुअल में फायरबेस का सेटअप हम अपने ऐप में करेंगे कैसे। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, आप सिंपल मेरे को फॉलो करो और आप भी अपने फायरबेस का सेटअप कर सकते हो। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे फायरबेस के, उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं सिंपली जाता हूँ कंसोल में, मेक श्योर करना आप लॉगिन कर लोगे, उसके बाद कंसोल का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करूंगा। मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दो अपने प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे मैं देता हूँ फायरबेस सेटअप और यहाँ पे मैं करता हूँ कंटिन्यू। अब ये मेरे से पूछा है कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट में गूगल एनालिटिक्स का यूज करोगे कि नहीं। तो भाई फिलहाल के लिए मेरे को यूज नहीं करना, तो मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप करना चाहते हो तो इसको इनेबल कर सकते हैं। तो मैं इसको कर रहा हूँ क्रिएट और ये क्या करेगा, हमारे लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे देगा जिसका सेटअप हम अपने फ्लटर फ्लो ऐप में करने वाले हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेता है, इसको होने देते हैं हम। अब ये हो चुका है, अब सिंपली मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू। और अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ परमिशंस देनी पड़ेगी फायरबेस में जिससे फ्लटर फ्लो इजिली कनेक्ट हो सके फायरबेस से और इजी उसके डेटाबेस के सारे जितने भी फीचर्स हैं डेटाबेस स्टोरेज को यूज कर सके। तो आप सिंपली जाओगे प्रोजेक्ट सेटिंग में परमिशन देने के लिए और सबसे पहले जाओगे यूजर एंड परमिशन में और एक मेंबर ऐड करोगे। और वो मेंबर कौन होने वाला है, वो मेंबर होने वाला है हमारा फ्लटर फ्लो। क्यों? क्योंकि भाई फ्लटर फ्लो ही फायरबेस में जो डेटा है उससे कनेक्ट होगा, सिंक होगा, सारे फीचर्स को यूज करेगा, तो उसको एज अ मेंबर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं इसको करता हूँ ऐड और यहाँ पे आपको फ्लटर फ्लो की ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी जो कि firebase@flutterflow.io। और मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रोल देता हूँ एडिटर का। क्यों? क्योंकि ये जितने भी फीचर्स है उसको इजी यूज कर सकता है। तो मैं इसको करता हूँ डन और इसको करता हूँ ऐड। तो भाई आपने एक मेंबर तो ऐड कर दिया है फ्लटर फ्लो को, अब आपको क्या करना है, कुछ परमिशंस और देनी है फायरबेस में। तो सिंपली आप क्या करोगे, एडवांस परमिशन सेटिंग जाओगे और यहाँ पे कुछ रोल्स डिफाइन करोगे इसके लिए। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा लोड होने दो इसको पहले। अब देखो जो हमने मेल आईडी अभी ऐड करी थी, आप सिंपली उसी में जाओ और उसी को एडिट करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो रोल आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। फर्स्ट रोल है हमारे पास सर्विस अकाउंट यूजर और दूसरा है हमारे पास क्लाउड फंक्शन। अब क्लाउड फंक्शन क्यों यूज करते हैं हम, क्लाउड फंक्शन यूज होता है हमारे लिए भाई जब आप फायरबेस में पुश नोटिफिकेशन यूज कर रहे हो उन फीचर्स को यूज करने के लिए हमें इस रोल को डिफाइन करना पड़ेगा। तो क्लाउड फंक्शंस एडमिन, ठीक है, इसको मैंने ऐड किया और इसको मैं करता हूँ सेव, जिससे जो भी आपने रोल दिया है वो सारे अपडेट हो जाएंगे। मैं इसको करता हूँ अपडेट और ये जो पॉलिसी है वो अपडेट हो रही है। तो देखो यहाँ पे पॉलिसी अपडेट हो चुकी है, तो आप सिंपली इस टैब को क्लोज कर दो। ठीक है, तो देखो भाई परमिशन का तो खेल खत्म हो गया कि भाई जितनी भी परमिशन चाहिए थी फ्लटर फ्लो को वो हमने दे दिए। अब आपको क्या करना है, आप सिंपली फायर स्टोर और स्टोरेज को इनेबल कर दो जिससे हम इनके डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकें। तो आप सिंपली क्या करोगे, बिल्ड में जाओ और सबसे पहले जाना है आपके पास फायर स्टोर। अब ये फायर स्टोर होता क्या है, मैं अभी के लिए बताता हूँ। इसमें हम अपने डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं, कलेक्शन बना सकते हैं और जितने भी हमारे यूजर्स का, जितने भी हमारे ऐप का जो डेटा है उसको हम यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं फायर स्टोर पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस इसको इनेबल करना बता रहा हूँ। तो आप सिंपली करोगे क्रिएट और अभी के लिए हम इसको टेस्ट मोड पे चलाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम टेस्टिंग फेज पे हैं। बट याद रखना जब आप अपने प्रोडक्शन, अपने ऐप को प्रोडक्शन में ले जाओ तो आप इसको टेस्टिंग मोड से हटा के प्रोडक्शन मोड कर देना। मैं इसको करता हूँ टेस्टिंग मोड और नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे आप अपनी लोकेशन चूज कर लो सर्वर की, तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ और इसको इनेबल करता हूँ। तो देखो ये हमारा फायर स्टोरेज वो सेटअप हो चुका है। अब आपको क्या करना है, स्टोरेज को भी इनेबल करना है। मैं सिंपली जाता हूँ स्टोरेज में। अब स्टोरेज क्यों यूज करते हैं, जिससे हमारे जितने भी इमेजेस हैं, ऑडियोज हैं, वो सारे यहीं आके स्टोर होंगे हमारे। सिंपली मैं इसको करता हूँ गेट सारे और यहाँ पे टेस्टिंग मोड में इसको भी चलाऊंगा और नेक्स्ट करता हूँ और मैं इसको करता हूँ डन। क्योंकि जो हमने सर्वर चूज किया था वो फायर स्टोर में, हमने एक बार सर्वर चूज कर लिया था हमारे सर्वर की जो लोकेशन है, तो यहाँ पे हमें इसलिए इसने पूछा नहीं। देखो हमारा जो स्टोरेज है वो भी सेटअप हो चुका है। तो हमने फायर स्टोर को भी सेटअप कर लिया और स्टोरेज को भी सेटअप कर लिया और जितनी भी परमिशंस चाहिए थी वो भी हमने दे दिए। अब आपको क्या करना है, आप सिंपली जाओगे अपने ऐप में और जाओगे सेटिंग्स में
और आप जाओगे फायरबेस में, ठीक है। बट यहाँ पे तो आईडी मांग रहे हैं, फायरबेस प्रोजेक्ट आईडी। तो अब आप क्या करोगे, सिंपली जाओगे अपने यहाँ पे और प्रोजेक्ट सेटिंग जाके इस आईडी को कॉपी कर लो, जो यहाँ पे आईडी शो हो रही है, कॉपी किया आपने और इस आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर दो और यहाँ पे कर दो कनेक्ट। थोड़ा सा टाइम लेगा और ये कनेक्ट हो जाएगा आपके फायरबेस से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये नॉट डिप्लॉय लिखा हुआ है। अब ये क्या है, ये रूल्स होते हैं स्टोरेज के। अभी आपने स्टोरेज और फायर स्टोर को इनेबल कर दिया है तो हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आप फायरबेस फायर स्टोर और स्टोरेज को इनेबल नहीं करते और तब इसको डिप्लॉय करते तो यहाँ पे एरर थ्रो करता, बट ये इस अब हमारे केस में एरर थ्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने फायर स्टोर और स्टोरेज को पहले ही इनेबल कर दिया है। अगर आप नहीं करके आते और यहाँ पे डिप्लॉय करते तो ये एरर थ्रो करता। तो मैं सिंपली करता हूँ इसको डिप्लॉय। अब बहुत सारे यूजर जो है इसको फेस करते हैं जो इस एरर को, तो मैंने बता दिया कि भाई आप स्टोरेज को पहले ही इनेबल करके आओगे तो ये इजिली डिप्लॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये डिप्लॉय हो चुके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है हमारे स्टोरेज के लिए। अब आपको क्या करना है, आप सिंपली लास्ट स्टेप है, आप जितने भी कॉन्फिग फाइल्स हैं फायरबेस की आप उसको जनरेट कर लो और यहाँ पे कर दो जनरेट फाइल्स, और ये थोड़ा सा टाइम लेगी और ये सारे जितने भी कॉन्फिग फाइल होते हैं उसको जनरेट कर देगा। तो देखो ये हो चुकी सारी फाइल जनरेट और हमारा जो फायरबेस है वो इजिली कनेक्ट हो चुका है हमारे फ्लटरफ्लो ऐप से, ठीक है। अब आप सारे फीचर ऑथेंटिकेशन तो अभी यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि हमने उसको इनेबल नहीं किया है, लेकिन आप जितने भी फीचर्स हैं अब आप यहाँ पे इजिली इनेबल करो और यहाँ पे यूज करो, ठीक है। तो यही था प्रोसेस सेटअप करने का और ये बहुत ही ईजी है। ये इनिशियल सेटअप होता है, क्यों? क्योंकि इसके बाद जो भी वीडियोस आने वाली है वो ऑथेंटिकेशन के ऊपर होगी, फायर स्टोर के ऊपर होगी, स्टोरेज के ऊपर है, ठीक है। तो ये इनिशियल सेटअप था। इससे पहले हमने वीडियो में बात करी थी कि भाई फायरबेस एक्चुअल में होता क्या है, आज मैंने सेटअप बताया, ठीक है। अब की जो वीडियो आएंगी या तो ऑथेंटिकेशन के ऊपर आएंगी, या तो फायर स्टोर के ऊपर, या तो स्टोरेज के ऊपर, ठीक है। ये इनिशियल स्टेप्स होता है जिससे सारे जितने भी मेरे डेवलपर्स हैं वो सारे इसको कर लो, उसके बाद जो भी आप आगे वाली वीडियो है आप उसको ईजिली फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आई तो यार एक बार लाइक कर दो और मेक श्योर करना जितने भी व्यूवर्स हैं मैं उससे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि यार प्लीज आप एक बार कमेंट कर दो, क्योंकि आप कमेंट करते तो मेरे को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि अभी हमारा छोटा चैनल है उसको ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी के लिए मेरे जो मोटिवेशन का जो कारण है वो आप ही लोग हो, तो आप लोग कमेंट करते तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।